वापस एक बार हमारे पास है यहाँ पे एक रियल वाला फ्लाइट का योग जो कि बोइंग का है लिटरली। एंड इससे मैं यार सबसे बड़ा प्लेन है वो सबसे छोटे एयरफील्ड पे लैंड कराने वाला हूँ। बट उसके पहले अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कैसे काम करता, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो अपना मुंबई का एयरपोर्ट है उस पर हम लोग, ये देखो प्लेन अंदर से दिख जाएगा आपको मस्त तरीके से। एंड भाई ये देखो ये इंजन की चीज है, बट है ना पता नहीं क्यों सारे के सारे चार इंजन नहीं चल रहे, इससे सिर्फ दो ही चल रहे। तो आई हैव नो आइडिया कि सारे के सारे कैसे चलाऊंगा मैं अभी, तो मे बी कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा बीच बीच में। बट ये देखो ना भाई कितनी सारी चीजें है यहाँ पे खतरनाक वाली। हम लोग है ना बाहर से देखते हैं अभी कि प्लेन कैसा दिखता है, क्योंकि अपने को चलाना है। ब्रेक्स बंद कर देता हूँ मैं एंड उसके बाद भाई सारे इंजन फुल पावर पे लेके जाता हूँ। चलो डायरेक्ट फुल पावर 100 का लेके जाता हूँ। हंड्रेड के ऊपर लेके गया, चलो भाई काफी बढ़िया हो गया ये। एंड अभी थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ने दो, 140 तक आने के बाद मे बी हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं, वो मुझे गारंटी नहीं, काफी टाइम बाद मैं खेल रहा हूँ ये गेम। ओके 100 तक पहुंच गए हम लोग, 120, 130 एंड 140 एंड अभी हम लोग ऊपर चल सकते हैं। आज आपको ये काफी ज्यादा बड़ा बोइंग का प्लेन है। ओके आराम से टेक ऑफ करो। ओके चलो 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 ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, अभी लैंडिंग गियर ऊपर करना है एक मिनट। यानी इससे होता है क्या भाई? अच्छा हो गया, लैंडिंग गियर ऊपर हो गया। वाव यार काफी यार खतरनाक प्लेन है अपना। ये देखो मुझे आता है मतलब थोड़ा थोड़ा सा उड़ाना, आपको दिखाता हूँ लेफ्ट राइट करके इससे। ये देखो लेफ्ट हो गया, छोड़ो भाई छोड़ो, आराम से चलाओ, बस हवा निकल गई। और ये देखो नीचे है अपनी मुंबई सिटी, काफी बड़ी मुंबई सिटी यार सीरियसली। एंड इसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं अभी। अबे ये रेडियो पे अजीब सी बातें करते रहते हैं, उसका कोई सीन नहीं है। और ये प्लेन उड़ाना क्या मजेदार चीज है यार। अगर आप इस वीडियो पे ना 1,00,000 लाइक करते हो तो मैं एक्चुअल पायलट बन जाऊंगा, पायलट का लाइसेंस लेके आऊंगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, प्लीज 1,00,000 मत करना लाइक्स प्लीज। एक्चुअली इस वाले प्लेन से ही मैं आया था एग्जैक्टली जापान से, लाइक गया भी जापान में इस वाले से ही था। क्या बढ़िया ऊपर जा रहा है। ओके मुझे उड़ाने तो आ रहा है अभी, और कुछ चीजें देखता हूँ इसके कि इससे क्या क्या होता है चीजों से, मुझे कोई आइडिया नहीं। फ्लैप्स से आई थिंक ये फ्लैप्स दिख रहे हैं मुझे, फ्लैप्स मतलब है ना ये देखो यहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ पे दिखते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या होता है किस चीजों से, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है अब तक। ऊपर चल भाई और ऊपर चल चल, हम लोग 5,000 तक ही गए, 10,000 तक मिनिमम जाना पड़ता है, इन चीजों से क्या होता है कुछ आइडिया नहीं मुझे। ओके सो गाइस मैं अभी आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन दिखाता हूँ। आ गया यार प्लेन का है अपना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे रहता है प्लेन भी, वर्ल्ड मैप पे में भी यस यस यहाँ पे दिख जाएगा अपने को। तो ये देखो यहाँ पे काफी सारे प्लेन है, छोटे वाले भी प्लेन है, सीरियस बोलते हैं इसको, सस्ता भी होगा यहाँ पे, काफी सारे प्लेन है। ये देखो अजीब अजीब प्लेन है यहाँ पे, देखो डीजी एविएशन का कुछ खतरनाक सा प्लेन है, छोटा मोटा मतलब दिखता में काफी कूल प्लेन है, इवन हेलीकॉप्टर्स तक है, ये काफी खतरनाक बात है। बट अपने को चाहिए वो प्लेन है एंटोनोव AN-225 मिराया। ओके वो देख रहा हूँ की कहाँ पे है, लाइक यहाँ पे तो दिखने मुझे कहा गया एंटोनो का गया, हेलो यहाँ पे ऊपर ही था सबसे एंटोनो AN-225। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है एक्चुअली, अभी ये बचा नहीं है दुनिया में। पहले ना हम लोग इसको नॉर्मल एयरफील्ड पे ट्राई करके देखते हैं कि कैसे लैंड कर सकते हम लोग इसको। तो हम लोग दुबई पे चलते हैं, दुबई का एयरपोर्ट कहाँ है भाई, दुबई कहाँ गया, मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अच्छा आई थिंक यही है दुबई का एयरपोर्ट, ये तो छोटा वाला है, अपने को बड़ा एयरपोर्ट मांगता है। हाँ ये वाला एयरपोर्ट मांगता है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अराइवल करते हैं यहाँ पे सीधा एंड सीधा लैंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, भाई काफी मजा आने वाला है। चलो लैंडिंग करने वाले हम लोग, लैंडिंग हो पाता या नहीं मेरे से पहली बात तो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत बड़ा प्लेन है, एक नॉर्मल रनवे के लिए भी काफी ज्यादा बड़ा प्लेन है। तो आपको प्लेन दिखाता हूँ बाहर से, आई एम नॉट श्योर बाहर से दिख रहा है या नहीं। ओके ओके थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखो अभी दिखाता हूँ और भी बाहर से। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अबे इसको 6-6 इंच से, वेट 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 वेट, थोड़ा स्पीड बढ़ा भाई। अरे क्या हो गया नीचे जा रहा है ये प्लेन फुल, अरे काफी ज्यादा खतरनाक प्लेन है ये, देखो ना देख के समझ जाएगा। देखो एक साइड को 3 इंजिन से, दूसरे साइड को 3 इंजिन से। ओके तो अपने को पहले लैंडिंग गियर डाउन करना है, तो लैंडिंग गियर मैं पहले डाउन के लिए लगा देता हूँ, ये देखो आराम से अभी लैंडिंग गियर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके काफी बड़े बड़े इसके चक्के हैं, पहिए देखो, ओ कितने सारे पहिए, एक मिनट अभी अपने को थोड़ा सा आगे देखना भाई प्लीज, आगे देख राइट 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 राइट। एयरफील्ड कहाँ पे दुबई का, एयरफील्ड कहाँ गया, मुझे एयरफील्ड नहीं दिख रहा है। हेलो स्पीड बहुत है अपना, स्पीड बहुत है। डाउन करना पड़ेगा भाई, 150 तक आना पड़ेगा, मुझे एयरफील्ड सच्ची समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे, राइट पे मे बी, यस 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 राइट पे दिख गया। आराम से चलो भाई, आराम से चलो, क्योंकि अगर मैंने हाइक किया तो वाट लग जाएगी। 150 तक रहना है, उसके
के नीचे नहीं जाना है, नीचे जब हम लोग लैंड करेंगे उसके बाद आना है। ओके फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो थोड़ा मे भी मुझे थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा इजीली। ओके स्पीड कितना अपना, स्पीड नहीं दिख रहा है मुझे अब तक। ओके 175 चल जाएगा चल जाएगा, बाद में थोड़ा सा लो कर दूंगा और थोड़ा सा लो करता हूँ मैं। ओके पर कहाँ पे एयरफील्ड मुझे दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैप ओपन हो सकता है क्या? मैप कहाँ पे अपना यार, मैप भी नहीं देख सकता मैं। वेट ओह नो, नेविगेशन नहीं है, क्या हो गया, कहाँ पे एयरफील्ड? आई थिंक मैंने मिस कर लिया, मुझे दिख नहीं रहा है या सामने, वो मे भी सामने हो सकता है। ये गेम में ना रेंडर नहीं हो रहा है इसलिए मुझे समझ नहीं आता है। काफी सारी चीजें वहां पे लिखी है, मे भी वहां पे जाना पड़ेगा, बट एग्जैक्ट रनवे कहाँ पे वो नहीं समझ रहा। आई थिंक और थोड़ा सा स्पीड कम करना पड़ेगा भाई। स्पीड डाउन स्पीड डाउन। ओह एक मिनट एक मिनट। ओह नो 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 नो, ऊपर चल ऊपर चल। ओए ओए क्या कर के रहा मैं, आने ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। स्पीड 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 बड़ा स्पीड बड़ा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई। वाट लगा ली यार दुबई की, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, वापस से करना पड़ेगा अपने को सेम चीज। ओके अभी वापस से हम लोग स्टार्ट करने वाले, एंड मुझे एयरफील्ड दिख नहीं रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ गया था, टेंशन नहीं है लेकिन अभी, क्योंकि ओह नो बड़ा स्पीड बड़ा, कहां जा रहा है ये? क्या हो गया भाई, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? हेलो अबे क्या चल रहा है इसको, अबे क्या हो गया भाई, यहाँ पे इतने दिक्कतें आ रही है स्मॉल एयरफील्ड पे, तो मुझे नहीं लगता मेरे से होने वाला लैंड। स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा, ऊपर चल 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 ऊपर चल, फुल स्पीड फुल स्पीड फुल स्पीड ऊपर। अरे क्या हो रहा है ये भाई साहब, बहुत मुश्किल है इसको उड़ाना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इतना मुश्किल ये प्लेन। क्यों हिला डाला ना भाई, ये वाला प्लेन लैंड करवाना है ना, बच्चों का खेल नहीं है ठीक है। छोटे छोटे प्लेन मैंने किए थोड़े बहुत लैंड कीबोर्ड से वगैरह, बट ये वाला बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैं कभी, बड़े वाले एयर स्ट्रिप पे नहीं होता अपने से। लैंडिंग किया नीचे ना भाई, अभी कंफर्म कर रहा हूँ मैं, जब हम लोग काफी ज्यादा क्लोज पहुंचे। ओके हम लोग आ गए भाई, इंजन पावर कम कर दिए, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, लाइन अप करना अपने को थोड़ा सा ऊपर भाई, परफेक्ट लैंडिंग में भी लगभग परफेक्ट ही है, काफी डाउन है हम लोग, काफी क्लोज है भाई। सेंटर में करनी थी यार लैंडिंग, बट हो नहीं पाई। ओ नो 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 नो, थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग है ठीक है, समझ लो भाई समझ लो, थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग। क्या क्या ब्रेक मार भाई, सामने से प्लेन आ रहा है मेरे, अबे डर नहीं कहते, देखो इसको देखो, बड़े वाले पे तो मैंने लैंड कर लिया अभी ये वाला प्लेन, बट देखो ना यार इसका स्केल देख सकते हो आप, अभी देखा आपने वो छोटा सा प्लेन चला गया, मैंने आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना बड़ा प्लेन है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं वहां पे जहाँ पे बाकी प्लेन्स खड़े हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको जाके हम लोग ठोकते इन द सेंस उनके पास में चलते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि ये प्लेन एग्जैक्टली कितना बड़ा है। आई थिंक कुछ ज्यादा ही बड़ा है लाइक सीरियसली। ओके तो हम लोग थोड़ा स्पीड कम करते हैं अभी, आ जाओ ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा प्लेन है, देख सकते हो कितना छोटा ये। हेलो देखो सामने दो दो प्लेन्स खड़े हैं लिटरली, बड़े वाले, ये भी काफी बड़े प्लेन है पैसेंजर्स वाले, स्टिल ये प्लेन उनसे कितना ज्यादा बड़ा है देख सकते हो आप लिटरली। अभी हम लोग चलते हैं सबसे छोटी दुनिया की एयर स्ट्रिप पे, यानी कि सबसे छोटा रनवे। मिल गया मुझे दुनिया का सबसे छोटा रनवे यहाँ पे, ये दिख भी नहीं रहा है इतना छोटा सा भाई, ये भी टापू पे एकदम, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। होकर यहाँ पे मुझे करनी है लैंडिंग लिटरली, एंड अभी हम लोग फ्लाई करने वाले सबसे बड़े प्लेन से। ओके अपना प्लेन तो रेडी है, ये डायरेक्टली नीचे जाने लगता है यार, इतना बड़ा प्लेन है ना क्या ही बोलो। ओके लैंडिंग गियर डाउन है ना अपना, देखने दो भाई। ओके लैंडिंग गियर डाउन है, कोई सीन नहीं है, इतने सारे पहिए ना इसको, टू फास्ट आप पता है भाई, टू फास्ट है, वेट कर ले, स्लो स्लो करने वाले हम लोग। आई थिंक इस वाले रनवे पे ना और भी स्लो लगेगा, बट 150 के नीचे हम लोग नहीं जा सकते, 150 के नीचे जाते हैं आपको लगेगा कि भाई फटाक से स्पीड बढ़ा दो, क्या इश्यू है, गाड़ी नहीं है भाई, कि अगर आपने एक स्पीड कम हो गया ना उसके बाद आप बढ़ा ही नहीं सकते स्पीड, आपने कितना भी पावर लगा लो इंजन में वो आगे जाएगा ही नहीं। मैं कोई पायलट नहीं हूँ तो मेरे से पायलट का ट्रेनिंग मत लो, बट ऐसे ही इन जनरल बता रहा हूँ जो अभी एक्सपीरियंस किया मैंने उस हिसाब से। सामने एक सिर्फ टापू दिख रहा है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कितना लाइक वाइड है वगैरह, नैरो है, कितना एयरफील्ड है पता नहीं। इसके विंग्स से इतने बड़े हैं लाइक जो ऐसे विंग्स आते हैं साइड के, ये इतने बड़े हैं, ये देखो ना क्या बड़े विंग्स है। ओके हम लोग यहाँ पे लैंडिंग करने वाले, एक्चुअली मैं फर्स्ट पर्सन में करता हूँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन में मे भी थोड़ा सा इजी जाए, दिख जाता ना तुरंत की ओ नो 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 ज्यादा स्पीड कम हो गया, इतने तेजी से नहीं कम करके चलता भाई, थोड़ा सा कम चाहिए बस अपने को अभी, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक मार के करता हूँ, 190-180 के नीचे चाहिए बस, हो गया काम। एंड अभी हम लोग चलते फर्स्ट पर्सन में, ऊपर चल थोड़ा, स्पीड क्या है, ओ नो 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 स्पीड कम होने लग गया, नहीं यार स्टॉल हो गया अपना प्लेन, मतलब कि अभी ये जल्दी से स्पीड नहीं बढ़ेगा इसका, 160 है अभी इसका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा, कितना भी अभी मैं पावर लगा लू देखो अब स्पीड बढ़ेगा ही नहीं, स्पीड कम ही होते जाएगा, अब लैंड करना इम्पॉसिबल है लगभग। हो गया स्टॉल हो गया प्लेन, यही दिक्कत है। और ये पानी में लैंड हो गया प्लेन, वाह पानी की लैंडिंग देखो गाइस, ये देखो पानी में लैंड करवा लिया तुम्हारे भाई ने प्लेन, यही तो अपना एम था।
ओके सो इस बार मैं काफी कांस्टेंट रखूंगा स्पीड, आई थिंक 170 तक रखूंगा तो बेटर रहेगा, इसलिए ना भी एक साइड पे जाएगा अपना। आराम से चल प्लीज, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा तो भी चलेगा, बट कम स्पीड पे मुझे लैंड नहीं करना इस बार, ज्यादा जल्दी कम होता है, वापस सेम चीज हो गई। कॉन्स्टेंट रहे स्पीड, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल चल ऊपर नहीं ज्यादा ऊपर, सच्ची में इतना मुश्किल है ये। 1 week later ओह नो स्पीड बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा आगे लेते हैं ओके, उसके बाद कॉकपिट से लेते हैं एंड क्या हो गया पता नहीं मुझे एक मिनट, अरे यार प्लेन जंप कर गया इधर से उधर, और एक मिनट लैंड हो गया क्या गाइस, टेक्निकली मैंने लैंड करवा लिया प्लेन को, ठीक है ये कंसीडर कर लो यार, ये देखो ये एयर स्ट्रिप भाई इतनी लंबी है मैं बोल भी नहीं सकता आपको, इतनी छोटी से ना अनेबल टू कंटिन्यू, और यहाँ पे ही हो गया अपना बकवास वाला लैंडिंग। बट भाई प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, काफी ज्यादा मेहनत लगी है इतना सा भी करने में मुझे, एटलीस्ट हम लोगों ने बड़े वाले रनवे पे तो लैंड कर दिया है, इसलिए लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।